सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सीआरपीएफ बस्तर बटालियन में जो है 400 पदों पर जो है, जी हां 400 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से सीआरपीएफ बस्तर बटालियन भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और 400 पदों की तैयारी करने के लिए आपको जो है कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए, जो बुक बताऊँगा, पुस्तकें बताऊँगा, यदि उन किताबों को खरीद कर आप जो है पढ़ाई करते हैं तो आप जो है एक ही बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीआरपीएफ बस्तर बटालियन के जो 400 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई तो वो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन वो उन पुस्तकें से जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको उन सभी बुक को अवॉइड करना है, आपको उन पुस्तकों से पढ़ाई करना है। अगर समझ लीजिए कि अगर आपको एक पता है कि हाँ इसी बुक से पुस्तकें से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसी को पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। और आप जो है कभी भी ये मत सोचना कि मैं फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, मैं एक फ्रेशर हूँ, अपने आप में कभी मत सोचना। और अपने आप में कभी ये मत सोचना कि मुझसे कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप कभी ये मत सोचना कि किसी का 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा और परसेंटेज है, उनके पास बहुत ज़्यादा डिग्री कोर्सेज है, सभी चीज़ें ज़्यादा, उनका परसेंटेज ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। आप खुद और दूसरों से खुद को कभी कंपेयर मत करना। बता रहा हूँ एक चीज़, आपका कंपटीशन खुद से है, अपने आप से है, किसी और से कंपटीशन मत कीजिए भीड़ में। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि 400 पोस्ट के लिए जो है लगभग छत्तीसगढ़ में 2 लाख से लेकर 2.5 लाख जो है फॉर्म फिलअप होंगे। तो आप लोग ये सोचते हैं कि आप यदि कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो बगल के जो स्टूडेंट रहते हैं, आपको पता होता है कि ये स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं, सभी चीज़ों के नॉलेज है, तो आप उससे जलने लगते हैं और उसको अपना कॉम्पिटिशन मानते हैं और वो सोचते हैं आपकी, वो अगर रात को पढ़ाई कर रहा है 8 बजे से लेकर 12 बजे 2 बजे तक तो मैं भी वैसे करूँगा, सुबह पढ़ाई कर रहा तो सुबह और दोपहर पढ़ाई कर रहा तो दोपहर, आप उसको कॉपी करते हैं। कॉपी मत कीजिए, किसी के बारे में मत सोचिए और ख़ुद के बारे में सोचिए। और अगर आपको कोई बोले ना कि तुमसे सिलेक्शन नहीं होगा, तुमसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, स्टूडेंट है, तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, बड़े बड़े सिटी में जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुम तो अभी छोटे हो, तो ऐसा अगर आपको कोई बोले ना तो आपको उनकी बातों को जो है अवॉइड करना है और उन सभी चीज़ों पर ध्यान मत देना। बस आपको पता है ना कि आप जो है कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आपको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे या फिर नहीं, आपको खुद के ऊपर जो है भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर आप चाहो तो, अगर आपने चाहा तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, अगर आप ना चाहो तो आसान चीज़ भी आपको जो है कठिन लगने लगेगा। तो आपको उन सभी के लोगों के बातों को जो है अवॉइड करने, खुद के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो बस्तर बटालियन में 400 पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपका जो है 12वीं पास है, 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, इसके साथ ही आपका जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए जो है मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं और यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं आप जो है आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाना है, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें होता है, सबसे पहले तो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको जो है फिज़िकल टेस्ट के ऊपर जो है फिज़िकल के ऊपर जो है ध्यान देना है, जितना हो सके फिज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको जो है अच्छे से करना है। यदि आप फिज़िकल में बहुत अच्छे से अंक लाते हैं जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ और ये सभी चीज़ें फिज़िकल एक्टिविटी में होता है, 800 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, तो यदि आपका अंक जो है फिज़िकल में बहुत अच्छे से आता है, उसके बाद यदि आप रिटर्न एग्ज़ाम्स में कम नंबर भी लाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके जो है फिज़िकल के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि आपका फिज़िकल में एक अच्छे से नंबर स्कोर आएगा तो आपको जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए बुलाया जाएगा, यदि फिज़िकल में आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स में नहीं बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है
और उसके बाद जो है DVC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज परीक्षण होता है, फिर आपका जो है आसानी से सिलेक्शन हो जाता है और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है इस वक्त की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है 400 पदों के लिए। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका अपडेट है कि 400 पदों पर जो है आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में CRPF के बस्तर बटालियन का भर्ती हो रहा है। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, तो बस्तर बटालियन में 400 पदों के लिए ये आने वाली जो है छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। हो सकता है कि कुछ दिनों में इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाए, तो ये छत्तीसगढ़ में जो है अपकमिंग वैकेंसी है। तो जल्द ही इस संबंध में जो है इस वैकेंसी के संबंध में जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा कि आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखना है और थोड़ा सा सब्र यदि आप रखते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो 400 पदों पर जो है आप लोगों के लिए भर्ती अपडेट आया, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना बिल्कुल ही शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आपको जो है जॉब मिल जाए। और आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो बस्तर बटालियन CRPF भर्ती परीक्षा से और भर्ती परीक्षा आप लोगों के लिए 400 पदों पर निकल कर आया, तो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको जो है अच्छे से करना है ताकि आपका जो है एक ही अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपके आने वाली जो है अपकमिंग वैकेंसी है। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को CRPF बस्तर बटालियन में 400 पदों की जानकारी दिया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर हम सभी को वीडियो जो है मिलते जाएंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट भरोसा जो है बनाए रखना और आप लोगों को मैं इसी तरह से एजुकेट करता रहूँगा और आप लोगों को न्यू जानकारी जो है प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना। तो 400 पदों पर जो है CRPF बस्तर बटालियन में जो है भर्ती अपडेट आने वाला है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो है आपके छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक आप ले सकते हैं, वो बुक जो है बहुत ही अच्छा बेस्ट होते हैं। और इसके साथ ही टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेस्ट बुक है। इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के लेना है। हिंदी के लिए आपको जो है DLIS एकेडमी का लेना है। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना। तो दोनों से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। तो इस तरह से हम जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू।